नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 4 नवंबर 2024 सोमवार का दिन है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष आज तृतीया तिथि है। नक्षत्र आज है अनुराधा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:36 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। आज का सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 6:55 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहेगी वृश्चिक राशि पर। आज का राहु काल यानी अशुभ काल का समय होगा दोपहर 12:55 से लेकर दोपहर 2:31 तक रहेगा। इस राहु काल में कोई भी शुभ और नया कार्य ना करें, नहीं तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, और ये प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि के जातकों, आज के दिन ठीक है, लाभकारी यात्रा के योग हैं, रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव करने का आज के दिन है, किसी अनुभवी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो कन्या राशि को नुकसान होगा, इसलिए इन चीजों में ना जाएं। आज अपने प्रतिद्वंद्वियों की बातों से प्रभावित होने से बचिएगा। कन्या राशि के जातकों, वैसे किसी दोस्त के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। आज कोई कार्य अगर लंबे समय से रुका हुआ था तो पूरा हो जाएगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई नजर आएगी। जो पदोन्नत को लेकर प्रयास करते दिख रहे हैं, बिजनेस में सफलता के लिए खूब मेहनत करें। हालांकि लव लाइफ सुंदर और अट्रैक्टिव रहेगी। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं, आज तनाव से मुक्त रहेंगे, धर्म की तरफ झुकाव रहेगा। आज बहुत ज़्यादा यात्रा से परहेज करिए और लापरवाही स्वास्थ्य को लेकर तो बिल्कुल ना करें। आज कोई महत्वपूर्ण कार्य बन जाएगा, संभव हो तो निर्धन को धन का दान दें। किसी कार्य की संपन्नता से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आज प्रतिष्ठा मान बढ़ेगा। परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जाने का योग है, लेकिन आज के दिन रुक जाइए, लंबी यात्रा पर ना जाएं, छोटी यात्रा कर सकते हैं। कन्या राशि को आपको लाभ देगा, संभव हो तो अपने यानी आज आप जय श्री कृष्ण मंत्र का जाप जरूर करें, लाभकारी रहेगा। नौकरी करते हैं तो नौकरी को लेकर आज काफ़ी खुश हैं और संतान को भी अच्छी जॉब मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य के मामले में ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, भविष्य में लाभ होगा। अगर आप व्यापारी भाई हैं तो मार्केट का रुख समझकर कार्य करें, नहीं तो बेवजह टेंशन बढ़ेगी। सोच विचार कर कीजिएगा, माता पिता का आशीर्वाद आज मिलेगा, कुछ अच्छे कार्य करने के भी अवसर प्राप्त होते दिखेंगे। आज आपके काम में थोड़ा उलटफेर है, हालांकि बड़े बदलाव होने से आपका काम भी आसान होगा और आज तकनीकी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही निर्णय लें तो उत्तम है। कुछ अटके अधूरे कार्य बनने के योग हैं जो खुशियां देगी, और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है पर प्रोफेशनल लाइफ में चुनौतियां हैं, पर आत्मविश्वास के कारण हर चुनौती में सफलता मिलेगी। आज क्रिएटिविटी और जो आइडियाज हैं आपके अंदर गुड़ हैं, उसके कारण आपको कुछ खास लाइफ में होगा। आर्थिक स्थिति आज बढ़िया है। विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए अभी से मेहनत तेज कर दें और जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। और आप अगर सिंगल हैं, विवाह के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है। हालांकि जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं, रोजगार की प्राप्ति का योग बना हुआ है, अपने वाक्पटुता से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेंगे। किसी के बहकावे में कोई भी डिसीजन ना लें, विश्वास पात्र व्यक्ति से भी आपको यानी आज धोखा दे सकता है, तो संभल के रहना होगा। आज के दिन धन प्राप्ति का योग बना हुआ है, परिवार में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, मन काफ़ी खुश रहेगा। होशियारी से कहीं निवेश करेंगे तो लाभ है। आज के दिन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे हर कोई। अपना और जो लव रिलेशनशिप है तो हल्की फुल्की मुश्किलें दिख रही है, लेकिन आप बहुत सारे लोगों के बीच में जब रहेंगे तो बहुत खुश भी रहेंगे। अकेले में वक्त गुजारना थोड़ा मुश्किल होगा। जीवन साथी को आज थोड़ा कम समय निकाल पाएंगे तो उदास मत होइएगा।
अच्छे से कार्य करें, आज पॉजिटिव रहें। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, काम में सफलता मिलेगी, परिवार में आ रही तमाम विवाद सुलझेंगे और माता पिता के लिए आप कुछ खरीद सकते हैं जिससे मन प्रसन्न रहेगा। परिजनों के साथ कहीं घूमने फिरने का योग है, लेकिन अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें। वाहन खुद चलाते हैं तो सावधान रहें, परिवार में जो भी विवाद थे वो सुलझ जाएंगे। जीवनसाथी के साथ आज आपका बेहतर वक्त गुजरता नजर आएगा। शाम के बाद कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त परिश्रम करना होगा, समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। जरूरी कार्य दूसरों के भरोसे मत छोड़िएगा और अपने कार्य के प्रति बहुत सतर्क रहें। इनकम के शोर से आज के दिन बढ़ेंगे, थोड़ी सी बेचैनी है, इसलिए अपना ख्याल जरूर बनाए रखें, आपके लिए उत्तम रहेगा। ज़्यादा मेहनत करेंगे तब जाकर लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार में सुख शांति है, पुराने विवाद सुलझेंगे, लव पार्टनर से खुश रहेंगे। सामाजिक मेलजोल भी बढ़िया है, लेकिन कोई चीज़ का अति अच्छा नहीं है। आज सब कुछ कंट्रोल में रखें, रुका हुआ कार्य बनेगा, कोई शुभ समाचार बच्चों की तरफ से मिलेगा और शाम के समय धार्मिक स्थान की यात्रा पर धार्मिक यात्रा में सम्मिलित होने के योग हैं। तो प्यार को आज आप सरप्राइज भी दे सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता और भी बढ़िया होगा। कार्य क्षेत्र में जितना परिश्रम करेंगे उतना ही आप तरक्की करेंगे। सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा तो विघ्न बाधाएं कम होगी। इनकम के नए सोर्स भी आज बनते हुए दिख रहे हैं, तो आज मन में बुरे विचार ना आने दें, स्वयं पर कंट्रोल रखें, नकारात्मक सोच से बचेगा। मित्रों के साथ आज वक्त व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, जो करें सोच समझ कर करें। आज प्रॉपर्टी संपत्ति की समस्या में सुधार होगा और आज सभी क्षेत्रों में बेहतर कर पाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। तरक्की देखकर यानी देखते हुए लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। अविवाहित हैं तो आज चर्चा होगी और नए मेहमान की दस्तक होगी। आज संतान की प्राप्ति का योग बना हुआ है, कर्ज है तो कर्ज उतारने का योग है। आज किसी को कोई भी किसी से वादा बिल्कुल ना करें, सोच समझ कर करें, कानूनी लफड़ों में आज ना पड़ें और चिंता तनाव से आज मुक्ति पाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ध्यान योगा करें आपके लिए अच्छा रहेगा और कोई बड़ा टेंशन है तो वो भी समाप्त होगा। संपत्ति के कार्य में लाभदायक उन्नति मार्ग बनेंगे। संतान की तरक्की मिलने से घर में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। पारिवारिक टेंशन में थोड़ा सा परेशान रहेंगे, उससे निकल भी पाएंगे। तो आज आपका शुभ रंग रहेगा पीला, भाग्य साथ निभाएगा 80%, शुभ भाग्यांक रहेगा 1। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी।